सर, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। तो हमारी जो पॉलिसी थी वो हमें तो इस चीज़ का भी नहीं पता कि वो कितने साल के लिए थी। हमें पार्ट टाइम रखा जा रहा है, फुल टाइम रखा जा रहा है, इस बारे में हमें जो कोई भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। बाद में बोलने लगी जी आप पार्ट टाइम हैं। तो पार्ट टाइम जो है उनकी 4 घंटे ड्यूटी होती है और हमारी जो है 6 घंटे है कागजों में। तो फुल टाइम ना हम फुल टाइम वर्कर में आ रहे हैं ना पार्ट टाइम वर्कर में आ रहे हैं। तो हमारे साथ सरासर जो है अन्याय हो रहा है। तो हमारा जो है मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके जो है मेरी तरफ से, मेरे जितने भी डेलीगेशन है, मेरा जितना भी हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी तरफ से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये टर्मिनेशन जो है, जो हमारा टर्मिनेशन हुआ है, इसको जो है वापस लिया जाए और हमें किसी पॉलिसी के तहत रखा जाए। पूर्व में भी आप मिले थे क्या आपकी? पूर्व में मैं कम से कम 5 बार मिल चुका हूँ, लेकिन इसका जो है हमें कोई भी रिस्पांस, उचित रिस्पांस नहीं मिला। 3,000 रुपए पहले मिलते थे, अब वो भी नहीं रहे। अब जो चल रहा है घर, अब हमें जो अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हमें तो ऐसा है कि आज हम यहाँ आए हुए तो लोगों से पैसे उधार लेकर के यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो हमारे जो है, हमें तो बच्चों को स्कूल छुड़वाने की जो नौबत आ चुकी है। तो सरकार जो है दावे करती है गरीबों के उत्थान के लिए, सुख की सरकार है ये कहा जा रहा, तो आपके लिए कितनी सुख की सरकार है? हमारे लिए तो बड़ी दुख की सरकार है, हमारे लिए इतनी रुखी है और दुखी गरीबों को। आज की डेट में जितने अमीर आदमी है उनको ज्यादा अमीर करती जा रही है और जो गरीब आदमी है उनको ज्यादा अमीर करती जा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? एक आदमी, हम ऐसा चाहते हैं कि हमें जो है हमारा निष्कासन जो रद्द किया जाए और हमें दोबारा जो विभाग में रखा जाए, लेकिन किसी पॉलिसी के तहत रखा जाए। कितने लोग हैं आप लोग जो प्रभावित हैं? हम 1571 लोग हैं जी, जल शक्ति विभाग में। अब इन्होंने जो है हॉर्टिकल्चर वाले हैं 262 समथिंग है बेचारे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसी हिसाब से तो ये जितने भी कर्मचारी जो आउटसोर्स लगे हुए हैं ये सबको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बाकी हमारे हमारे बड़े भाई है हरीश जी हैं। तो अभी आपने मिलने का समय लिया है? क्या मतलब है मिलने का समय लिया है आपने क्या मुख्यमंत्री जी? सर, हमने पहले भी कई बार इनसे बातचीत हो चुकी है। तो हम तो सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं, जब आप विपक्ष में थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कैबिनेट में, भाई हमने आउटसोर्स किया शुरू और हमने उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और हम हार गए जब वो विपक्ष में थे। और आज हम, इन्होंने बोला कि जब आज हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम आउटसोर्स की वजह से बाहर बैठे हैं। और ये बोला उन्होंने कि जब अब अगला इलेक्शन जब होगा तो सबसे पहले आउटसोर्स और ये अपना ओपीएस करेंगे। चलो ओपीएस तो कर दी, इसके लिए हम सभी जो भी नौकरी वाले उनको बधाई देते हैं, पर जो आउटसोर्सेज है उनको सबसे पहले निकाला। तो चलो आज तो सरकार बन गई है, आने वाले भी कई इलेक्शन होंगे, 24 का इलेक्शन है, उससे बाद भी इलेक्शन होगा। अब आप खुद सीएम साहब ने बोला है भी जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम आउटसोर्स को लेंगे, तो सबसे पहले आउटसोर्स को बाहर किया गया जल शक्ति विभाग से। अब इनका हमें समझ में ये नहीं आया कि कोई इनका राजनीतिक था इसमें कोई, ताकि सबसे पहले इनको बाहर किया। इसमें तो सबसे ज़्यादा फायदा सरकार को था हमें यहाँ रखने से। आज उन्हीं टेंडरों को ये छोटा छोटा करके दे रहे हैं, जिस एक स्कीम को चलाने के लिए जिस गवर्नमेंट का 3 महीने का खर्चा या 1 महीने का खर्चा 15,000 आता था, आज उसका खर्चा 60,000 आ रहा है। तो आप, मैं मीडिया की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार से पूछिए, हम फायदेमंद थे कि जो आज ठेकेदारी हो रही है वो फायदेमंद है गवर्नमेंट के लिए? क्यों हटाया जा रहा है आपको ये समझ में? हमारी भी नहीं आया सर। इन्होंने बोला कि कंपनी के साथ टेंडर था, टेंडर तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, तो आपने हमारे से काम क्यों लिया मार्च अप्रैल तक? जब हम ऑफिस जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते बेचारे, एक्सटर्न है चाहे कोई SDO है, वो बोलते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर तो हमें आज तक हमें भी नहीं मिला लिखित भी, आप बाहर जाओ। तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम तो हम सर अनशन होगा, या मतलब हमें रोड पे बैठना पड़ेगा करना, या तो यही है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। आज हम इस तरह से यहाँ खड़े हैं, आप भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम गवर्नमेंट को आज लास्ट बार ये बोल रहे हैं कि अगर आज आप, पिछली मरतबा हम 15-20 दिन पहले मिले थे तो हमें 10 दिन का टाइम दिया गया था, तो आज 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए आज। तो उस उन्होंने बोला कि 10 दिन का मुझे समय दीजिए, हॉल में वो मिले थे हमें 17 तारीख को मिले सर,
सेक्रेटरीट में पिछले महीने 17 तारीख को मिले थे और 27 तारीख को उन्होंने बुलाया था, लेकिन 27 तारीख को जो है अपना कांगड़ा दौरे पर चले गए, 9 दिन के दौरे पर कांगड़ा रहे, उसके बाद जो है 2 दिन के दौरे पर दिल्ली रहे। तो जब हम यहाँ पे आए 27 तारीख को तो यहाँ से हमें पता चला कि वो जो है कांगड़ा दौरे पे चले गए हैं 9 दिन के लिए। तो उसके बाद जो 2 दिन का दौरा भी उनका दिल्ली का है, तो हमने जो स्थगित किया ये प्रोग्राम सारा, हालांकि सारे भाई आ रहे थे, फिर हमने बोला, मैंने कहा पहले पता कर लेते हैं कि कहीं खबर जो है झूठी तो नहीं है, कहीं मीडिया के बाद ऐसे पता चला हमें। तो उसके बाद जो है हमने जब दिल्ली से आए, फिर हमने दोबारा जो है अपना एक जो हमारा ग्रुप चला हुआ है, उस ग्रुप के माध्यम से हमने सबको, जितने भी भाई हमारे कई आ रहे हैं अभी कई पहुंचे भी नहीं है, तो ग्रुप के माध्यम से ही हमने इनको सबको जो इनवाइट किया। और आज हम सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जो निष्कासन है उसको रद्द किया जाए। हम तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे पत्थर के बीच में एक सड़क के बीच में एक पत्थर पड़ा होता है, उसको एक आदमी उठा के परे को फेंक देता है, दूसरा आदमी उधर से उठा के उसको परली साइड को फेंक देता है, और तो बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। तो किस समय सीमा तय होगी? अब आप कई बार मिल चुके हैं पहले भी, अभी भी मिलने जा रहे हैं? अभी तो हमको लास्ट बार मिलना चाहिए, हम आज लास्ट बार आएंगे। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा लड़का है हमारा इसका विभाग का या कोई भी अदर है, अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो उसका जिम्मेवार जो है फिर सरकार होगी। सर, बच्चों के अरमान, बच्चों की ख्वाहिशें आंखों के सामने टूट रही, कितना बेबस अपने आप, हम अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज की डेट में हमें जो है अगर घर से थोड़ा सा अगर खेती बाड़ी नहीं होती तो हम तो मतलब ना के बराबर जाते, भूखे मर जाते हैं। जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, मेरा साथी एक आया हुआ है, इसके पास 300 जमीन है और मैंने इसको जो है 4 महीने अपनी मतलब मेरे, चलो मेरी खेती बाड़ी है तो मैंने 4 महीने जो इसको राशन अपना दिया है। मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा भरी लैंड लॉर्ड हूँ, लेकिन इस सरकार में जो है ना हमारे साथ जो है, इतना पिछली सरकार थी उसमें भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे तो ऐसे जैसे छूत की एक बीमारी होती है उस तरह जो है हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रही है। छूत की बीमारी के तरह अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जो हमारे सीनियर हैं वो बोलते हैं तो क्या है, चले रह जा तू, ऐसा करे घर बोकर, हमें जो है इतना इग्नोर किया जा रहा है। अब सरकार भी इग्नोर करने लगी, तो सरकार से हमारी दोनों हाथ जोड़ करके हमारी बार बार यही विनती है, हमारी बहनें जो है छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आई हैं, तो ये कहाँ से आए बेचारी, अब दूध पीते बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी सीएम साहब से यही दोबारा अर्ज है कि इस निष्कासन को ख़त्म करें और हमें जो है दोबारा किसी पॉलिसी के थ्रू रखा जाए। धन्यवाद जी। बाकी हमारी बहन है, इनसे भी बात कर लो। नहीं, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं सुंदरनगर IPH सब डिविजन सुंदरनगर से हूँ। और जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया सर, हम मतलब बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं सर। हमारे को हम पिछले महीने भी यहाँ पे आए हुए तो आश्वासन नहीं दिया गया हमारे को, और हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है सर। उस टाइम भी सिर्फ आश्वासन देते हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं तो आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, भी नहीं आपका करेंगे। 10 दिन का बोला था, 9-10 दिन का होके भी मतलब हमारा कुछ भी नहीं, आज हम इसी कगार पे खड़े हुए हैं। तो सर हम सुख मतलब कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल हो गए हैं। और सर देखो ना, हमारे मतलब एक भाई तो मतलब सुसाइड कर बैठा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं मतलब हमारे इतने सारे भाई बहन हैं, ऐसा मतलब ऐसा लगता है भी आगे ये भी ऐसे ही कदम उठाएंगे। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से यही ये करते हैं और अग्निहोत्री जी से यही करते हैं भी सर हमारी सुनो, हमने क्या बुरा किया है ऐसा, हम भी मतलब आपकी तरह रोटी खाते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, है ना। और हम एक गरीब फैमिली से है और हमारा मतलब सुनो, आज तो सुन लो हमारी, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हो, कोई कार्यालय के बाहर से जल शक्ति करो।